उन्होंने कहा कि आप बातें बोलेंगे, तो मैं शुरू करता हूँ आरफ साहब से कि वो मंच पर आए और अपने जितने भी बैठे हुए अजीज हजरात और पूरे हाल में जितने बैठे हुए हैं, अगर फर्दन फर्दन में नाम दूँ तो वक्त का मेरा ख्याल है ज़्यादा होगा, तो सब ही मौज पर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदाब। शुरुआत मुझसे ही की है संजय साहब ने, तो बीच में टाइम मिलता तो अलग बात थी, तो शुरुआत में उन लफ्जों से ही करना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसको आज ये पूरा करके मनीर साहब सुरनकोट से जा रहे हैं। शुरुआत तीन मरहल्ले में अल्लाह तबारक ताला ने इस इंसान की ज़िंदगी को तकसीम किया है। एक बचपन का होता है और वहाँ से चलते हुए अपनी तालीम मुकम्मल करके एक मरहल्ला तय करके उस सफ़र में चलने वाले कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। मेहमान आए हैं, उनका ख्याल मकदम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो एक अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ इस पार्टी में, फेयरवेल पार्टी में शामिल होने आए हैं। तो मैं उनके परिवार को बधाई देता हूँ कि मनीर साहब ने वाकया ही एक बहुत ही अच्छा काम किया है और अच्छे काम की हमेशा सराहना की जाती है। तो सबसे पहले मैं जो मेंबर से मेहमान आए हैं एडवोकेट वसीम अहमद, उनसे कहूँगा कि वो चंद अल्फाज जो है वो मनीर साहब के लिए यहाँ पर बोल। जात पात से हटकर आपने यहाँ सुरनकोट में रहकर पिछले 14 साल में जो लोगों को काम किए हैं वो अपने आप में मिसाल है। मैं आज करके आपके कुंभा को मुबारक देता हूँ, सुरनकोट की आवाम की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने सुरनकोट में रहकर बहुत अच्छे काम किए। हमारे सुरनकोट की ये रीत है कि कोई काम या कंस्ट्रक्शन का काम करता है या कोई भी काम करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में आकर ये बताते हैं जनाब वहाँ फलाने ने ये काम कर दिया, वहाँ फलाने ने ये काम कर दिया, लेकिन आपने सबकी बात जरूर सुनी, आपके सब मुहालतें भी हुई लेकिन आपने नज़रअंदाज करके लोगों का साथ दिया, मैं इसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। वह मंच पर बैठे जितने मेरे मेहमान, जितने लोग इस फंक्शन में शरीक हुए हैं, सबको अदाब। मुझे आज बहुत हैरानगी हो रही है कि 14 साल की नौकरी करने के बाद हमारे ईओ साहब यहाँ से ट्रांसफर होकर रिटायरमेंट ले रहे हैं। लगता ऐसे है ये कल आए थे और आज जा रहे। इन 14 सालों में इन्होंने लोगों को इतना प्यार दिया है कि जो कोई भूल नहीं सकता, खासकर मैं अपने तौर पर इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने कभी इनको आउट ऑफ दी वे अंधेरे में रात को घर में भी कोई बात गई तो विद इन नो टाइम हमारे काम सब होते रहे। ऐसा ऑफिसर, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। पब्लिक का दिल जीतना हर आदमी का काम नहीं है, पब्लिक का काम है क्रिटिसाइज करना, लेकिन इनके दौरान 14 साल में इन पर किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, ना किसी ने आज तक ये बोला कि इन्होंने हमारा काम नहीं किया। एज पावर्स म्यूनसिपैलिटी जो है उसके पास इतने पावर्स हैं कि ये सांस लेने से लोगों को इनके अपने जुरिडिक्शन में, लेकिन इन्होंने खुली हवाओं में लोगों को जो किसी ने किया जो चाहा वही करते रहे। वकार सबक दोष हो के अपने मकाम पे जा रहे। आजकल दिन निकलता है तो रात जो भी मुलाजमीन है उनको ये पता नहीं होता कि सुबह क्या समन आएगा, क्या फरमान हमारे लिए जारी होगा। मनीर साहब ने 14 साल में जो सुरनकोट में काम किए वो काबिल दाद काबिल तहसीन है। जिस तरह परवाना साहब ने बताया कि इन्होंने बगैर जात पात बरादरी के यहाँ काम किए, मेरी भी इनके साथ एक वो दो बार लोग जो कोई, मैं माजरत चाहता हूँ आज ये यहाँ भूल के जाएंगे, तो इनको भी लोग बार बार तंग करते थे या कभी हम कोई सिफारिश लेके जाते थे लेकिन इन्होंने बगैर किसी बात के दलील के छोटे से आदमी के कहने पर वो काम कर दिए।
आज की ये अजीब और शान महफिल एक हंसते हुए खिलते हुए चेहरे और एक रोशन जमीर इंसान की वजह से है जहां हमें यहां बैठने का मौका मिला। मुनीर साहब, आपकी नजर एक शेयर करूंगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ताला ने आपको बचपन से ही रोशन किया हुआ है, इसीलिए अल्लाह ने, जो अल्लाह का पसंदीदा इंसान हो तो अल्लाह उससे बहुत बेहतर भी और बहुत सख्त काम भी लेता है। तो आपको मोहतरम शबीर साहब, छोटे ब्रदर डॉक्टर आजम, छोटा अजीज सज्जाद, वसीम, ताज चौहान साहब, शहराज साहब, परवाना साहब, मास्टर रजाक साहब, लियाकत साहब, फारेस्टर साहब, दीगर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, फरदोस चौहान जी और हमारे म्युनिसिपल कमेटी सुन कोर्ट का स्टाफ, सबसे पहले मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा। बड़ा दुख भी महसूस होता है, दुख इस बात का महसूस होता है कि याद आता है कि वो रास्ते जिन्होंने हमें साथ साथ चलते देखा, वो रास्ते जिन्होंने हमें साथ साथ चलते देखा, मुझे रुक रुक के पूछे तेरा हम सफर कहाँ। जिंदगी में ये मकाम तो आता ही है। गुरदास मान का एक बड़ा जबरदस्त शेर मुझे याद आता है, वो ये है कि वो तरन्नम में बोलूंगा थोड़ा सा, मुझे गाने का बहुत शौक है बचपन से। ना तुप रेणी ना शाम बंदिया, ना तुप रेणी ना शाम बंदिया, ना प्यो रेणा ना मां बंदिया, हर शे आखर मुक जाना, शैन आखर मुक जाना, एक रेणा ही रखता ना बंदिया, ना तुप रेणी ना शाम बंदिया, ना प्यो रेणा ना मां बंदिया। यही याद रहती है जिस आदमी के साथ आदमी चार दिन चलता है तो उसकी याद आती रहती है। बाकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी और बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। बिलखसूस मैंने 14 साल यहां गुजारे, 9 साल काउंसिल के बगैर गुजारे और 5 साल काउंसिल के साथ गुजारे। काउंसिल की जितनी मैं तारीफ करूं उतनी ही कम है, बहुत